दोस्तों, आज मैं आपको भारत की पांच ऐसी अजीब जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको चौंका देगी और आप सोचेंगे स्ट्रेंज थिंग्स वेब सीरीज भी है इनके सामने फीकी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया से जुड़े पांच ऐसे ही सस्पेंस से जुड़ी जगहों के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शनि सिग्नापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव शनि सिग्नापुर अपने शनि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह धार्मिक कारणों से भारत में घूमने के लिए सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। आप जब भी इस गांव में जाएंगे तो आपको इस गांव में हर घर, स्कूल और यहाँ तक कि बैंक में भी ताला नहीं लगाया जाता। यह हर दरवाजा सुबह से लेकर पूरी रात तक 12 महीने खुले रहता है। बता दें, ग्रामीणों की भगवान शनि से अटूट आस्था है और उनका मानना है कि गांव में शनि की कृपा इस कदर है कि इस गांव में जो बुरी दृष्टि से आएगा उसके साथ बहुत बुरा होगा, वो सब उन्हीं की कृपा की वजह से है। इडुक्की, केरल में लाल बारिश, रेड रेन एट इडुक्की केरला। पश्चिमी घाट ना केवल समृद्ध खूबसूरती बल्कि यहाँ कई आकर्षक चीजें हैं जो लोगों को बेहद पसंद आती है, लेकिन इडुक्की या लाल क्षेत्र भारत में रहस्यमय स्थानों में से एक के रूप में भी प्रसिद्ध है। इडुक्की में लाल रंग की बारिश पहली बार 25 जुलाई 2001 को हुई थी। इस बारिश को 2 महीने तक इसी रंग में देखा गया था। इस रंग की वजह से कपड़े और इमारत सब कुछ इसी कलर में हो गए थे। जब इस बारिश का पानी स्थानीय लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया तो ऊपर साफ पानी तैरने लगा और नीचे लाल पार्टिकल्स दिखने लगे। वैज्ञानिकों को भी आज तक इस बात की स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर ये कुदरत का कैसा रहस्य है। जटिंगा में मरते हुए पक्षी, असम। दोस्तों, असम का जटिंगा एक छोटा और खूबसूरत गांव है, लेकिन इस सुंदर गांव में कई बार दुखद घटना देखी गई है। यह दुर्लभ घटना इस गांव को भारत की सबसे रहस्यमयी जगह बनाती है। मानसून में प्रवासी पक्षी यहां उड़ते हुए आते हैं और पेड़ों, खंभों और इमारतों से जमीन पर अचानक से गिरने लगते हैं। जटिंगा भारत में घूमने के लिए उन अजीब जगहों में से एक है जो हर साल सितंबर और अक्टूबर के दौरान खूब सारे मरे हुए पक्षियों में बदल जाती है। इमामगढ़ में अनोखी स्मारक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 18वीं सदी की ये खूबसूरत संरचना बड़ा इमामबाड़ा अरबी और यूरोपीय वास्तुकला में के मिश्रण के साथ भारत के सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। यह स्मारक का केंद्रीय धनुषाकार हॉल लगभग 50 मीटर लंबा और लगभग 3 मंजिला ऊंचा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हॉल बिना किसी खंभे के खड़ा हुआ है। मुख्य हॉल अपनी अनोखी भूल भुलैया के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत के कोने कोने से लोग आकर इस अद्भुत कला को देखते हैं। लिपाक्षी, आंध्र प्रदेश। भारत में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल लिपाक्षी अपनी वास्तुकला और चित्रकला के लिए जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपने प्रसिद्ध लटके स्तंभ के कारण भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। इस जगह पर मौजूद 70 खंभों में से एक खंभा हवा के बीच में लटका हुआ है, यानी बिना सहारे के ज्यों का त्यों है। लोग मंदिर में आते हैं और खंभे के नीचे कपड़ा पास करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में समृद्धि आती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप इन जगहों में से कहीं गए हैं।